मध्य प्रदेश पटवारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में संघ ने 15 दिन की चुनरी यात्रा बिहार के हनुमान मंदिर से पैदल चलते हुए पीताम्बरा मंदिर तक निकाली है, जिसमें पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष के आह्वान पर पूरा पटवारी एकत्रित होकर विहार के हनुमान मंदिर प्रांगण में पहुंचा। यहां से चुनरी यात्रा निकालते हुए पीताम्बरा माता मंदिर के तक निकाली गई है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छतरपुर के सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने हनुमान मंदिर पहुंचकर ज्ञापन लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप लोगों की मांगें पूरा करेंगे। जो गांव-गांव या जहां भी उनका हलका होता है वो आम लोगों से जुड़ा होता है और सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उनके साथ उनका काम भी करता है। आपने जो अपने पे ग्रेड की मांग रखी है, निश्चित रूप से ये आपको मिलनी चाहिए और ये आपका हक है। इसकी लड़ाई आप जारी रखिए, इसको बिल्कुल बंद नहीं करना जब तक कि आपको आपका पीताम्बरा माई तक निकालेंगे और पीताम्बरा माई के चरणों में चुनरी अर्पित करेंगे और विनय करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगों को। कांग्रेस विधायक ने आश्वासन दिया है कि हम आपका आपके साथ हैं, हर लड़ाई में हम आगे रहेंगे और आपका जो मांग पत्र है आज ही हम कमलनाथ जी के यहाँ भेज रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी द्वारा भी घोषणा की गई कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम आपका 2800 ग्रिड पे की मांग पूरी करेंगे।